नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, हेलो टू ऑल लिसनर्स। तो अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं अपना लोअर उतार रहा हूँ और शॉर्ट्स में आराम से बैठूँगा। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, और टेबल पे क्या पड़ा है, एक क्वार्टर पड़ा है जिसका रिव्यू ऑलरेडी अनेक बार हो चुका है। ये टी शर्ट भी उतार दिया मैंने। आहा, आज़ादी मल्टी मिलियनर बिलियनर से ज़्यादा अच्छी आज़ादी है ये। आहा हा, हल्की हल्की हवा लगी, थोड़ी सी माया पड़ गया यहाँ पे। माया को पड़े रहने देते हैं तभी याद रहे, पीने के बाद अक्सर माया भूल जाते हैं। हम इंपीरियल ब्लू पी रहे हैं। पर आज जो टॉपिक है, अभी मैं आने सीढ़ियों में आ ही रहा था तो मेरे जहन में एक टॉपिक आ गया, क्यों ना आज लोगों को बताया जाए और लोगों से पूछा जाए, टू एंटरटेन पीपल एंड टू एक्नॉलेज ऑल ऑफ यू अबाउट रिलीजन एंड टाइम। आखिर ये धर्म क्या है और समय क्या है। मेरे दिमाग में हर चीज़ की एक बहुत मज़ेदार थ्योरी होती है, क्योंकि मैं बचपन से ही किसी एक बिलीफ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी एक धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा हटके सोचता हूँ मेरे हिसाब से। बाकी और भी बहुत लोगों के जो हटके सोचते हैं, उन मुकाबले की बात नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था, धर्म क्या है। हमारे सामने आज की डेट में सबसे जो नया धर्म है शायद बुद्धिज़्म या सिखिज़्म होगा, उससे आगे भी होंगे पता नहीं मुझे, बट ये नए नए हैं थोड़े। हिंदू धर्म लोग बहुत पुराना कहते हैं, मुसलमानों का धर्म बहुत पुराना कहते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी पुराना कहते हैं। तो मेरे को ना एक बड़ी मज़ेदार सी फिलॉसफी है, साथ में मैं अपना काम भी करता रहूँगा, ठीक है ना, मतलब काम ये डेस्क जॉब। तो मुझे क्या लगता है, अगर आप इससे सहमत करते हैं या आपने कभी इस पहलू से सोचा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि एक्चुअली ये जो धर्म इतने सारे कैसे हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सबके भगवान बट कैसे गए, है ना। अगर तो हम एक ही चीज़ से उत्पन्न हुए, एक ही चीज़ ने हमें बनाए हैं, तो सबके धर्म अलग कैसे हो गए। हमारी सबसे बड़ी, हमें गुस्सा आता है ना कई बार कि हम इतने बटे हुए क्यों हैं। तो मुझे पता है क्या लगता है, धर्म ना एक समय की देन है। मैं मानता हूँ कभी सब सारे एक ही होंगे, कबीले होंगे या कुछ भी होगा, गुट होंगे, उनके अपने अपने बिलीफ बन गए होंगे। उसमें से आगे निकलकर मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो, किसी को बड़ा नहीं कह रहा है, मान लो सबसे पहले सनातन धर्म था, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं आज की डेट में, सनातन धर्म है वैसे असली। मान लो कि सब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं दावा नहीं कर रहा किस चीज़ का, सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहले सनातन धर्म था, अब उससे कई लोग बिखर के टूट गए। तो एक युग में कुछ, यानी 500 सालों बाद या 50 सालों बाद या 100 सालों बाद इस्लाम धर्म बन गया। फिर उससे टूट के मान लो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म बहुत सारा एक जैसा लगता है हमें। उससे टूट के थोड़ा आगे चले गए तो सिखिज़्म आ गया। सिखिज़्म ने क्या किया, वो जो टोटल हिंदुज़म में जो मिथ्स थे उसको भी तोड़ दिया एक तरह से। कौन बेहतर है कौन कम बेहतर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है ये सब एक ही था, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। ये इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपनी अलग अलग, एक जिसे कह सकते हैं फिलॉसफीज़ हैं अलग अलग, जिसको आइडियोलॉजीज़ हैं अलग अलग, जिसको आधे लोग उधर चले गए, आधे लोग इधर चले गए, आधे लोग इधर चले गए। उस बीच मुगलों का राज हुआ या क्रिश्चनों का एक टाइम आया, वॉर्स हुई, बंटवारे हुए, तो लोग और बढ़ते डटते चले गए। जैसे आज के टाइम में भी बहुत लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं पैसों के कारण या सहूलियतों के कारण। तो मुझे लगता है धर्म ये है, अगर हम इसकी जड़ में जाएं तो असल में ये एक सिर्फ इल्यूजन है, माया जाल है। हाँ, धर्म को आप धर्म की जो किताबें हैं, धर्म की जो किताबें हैं वो आपको ज़रूर एक बेहतर इंसान बना सकती है, पर यदि आपका धर्म आपको एक ख़राब क्रूर इंसान बना रहा है, औरों को नीचा दिखा रहा है और अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, तो आप फिर ढंग से नहीं पढ़ रहे उस चीज़ को, फिर आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये तो मेरी धर्म की फिलॉसफी थी मेरी तरफ से। बाय ट्रैवलिंग बोटल, पैग मोटा बन गया इसी बात पे। चलो आज धार्मिक बात करिए, पैग मोटा पी लेंगे। आज हमारे साथ कैच का सोडा भी है, 500 ml फॉर 20 क्लब सोडा, क्लब सोडा है। तो एक मिनट रुकिए, ये तो है मेरी धर्म की फिलॉसफी, ऐसा सोचता हूँ मैं धर्म के बारे में। आपको किस हद तक सही लगता है ज़रूर बताएं। अगर लाइव होता तो आप सबके सवाल लेता,
और ये हमने डाल लिया है सोडा। आइए इम्पीरियल ब्लू के इस शानदार क्वार्टर में अब डालेंगे हम पानी। दारूनी पीणी जिना दी रुसकी जनानी। इस पैक के बाद अगली बात करते हैं। जय भैरव की। और आज के युग में अगर धर्म की बात करूं, अगर आपको सही रास्ता नहीं दिखता धर्म के बावजूद भी, इतना धर्म का बोलबाला है हमारे देश में, उसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज्ड है कि नहीं यार अभी भी कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा, मानवता का कल्याण तो नहीं हो रहा, जो धर्म का बेसिक काम था कि समाज में एक ऐसी एकता आए और समानता आए कि समूचे इंसानी समूहों का भला हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। उसका कारण ये है कि लालची लोगों के हाथ में जब ये सत्ता आने लगी, जब लालची लोगों ने कैपिटलिज्म संभाला, इंपीरियलिज्म किया, कहने को डेमोक्रेसी बनाई, अब क्या लालची लोग धर्म को भी कंट्रोल करने लग गए, तो इस वजह से ये चीज़ें खराब हो गई। एक्चुअल में कोई भगवान, कोई देवता, कोई पैगंबर, कोई गुरु खराब नहीं है। खराब है तो वे लोग जो अंधभक्ति में लीन हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट में लीन हैं, जो कन्वर्टिज्म में लीन हैं। एक जीसस वगैरह, बुद्ध वगैरह का कसूर नहीं है, आप सबका कसूर है। आप सबका मतलब उन लोगों का जो रेडिकल हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप जितना मर्जी शिव की पूजा कर ले, जितनी मर्जी जीसस की पूजा कर ले, जितनी मर्जी नानक जी के ग्रंथ पढ़ लें, जब वो आप अपने ऊपर जब तक आप अप्लाई नहीं करते ना, आपका कुछ भला नहीं होने वाला। आप दिखावे के लिए जितने मर्जी लंगर लगाते रहें, आपने उनकी वे ऑफ लाइफ सीखनी है। आपने उनसे क्या सीखना है, ये नहीं सीखना ओए हमारे धर्म में ये होता है, ओए हमारे बाबा ये कह रहे। अरे तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भगवान अपनी एनलाइटनमेंट का रास्ता ढूंढ के पार हो गए तुम्हें। उनको कभी कोई एनलाइटेड इंसान आपको अपना चेला नहीं बनाएगा। चेला बनाएगा जिसको पावर की भूख हो। हिटलर चेला बनाएगा, मोदी चेला बनाएगा, केजरीवाल चेला बनाएगा, समझ रहे हो। चेलागिरी में एनलाइटेड इंसान नहीं पड़ता। तो उन एनलाइटेड इंसानों से जो चंद ही हैं देखा जाए तो, यूँ कई दबे भी होंगे हमें जिसकी सूचना नहीं है, पर यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे उन्होंने जाना वैसे तुम भी जानो और कहीं तक तो पहुँचो, कहीं तक तो पहुँचो। सिर्फ टीवी और मीडिया तक बने मत रह जाओ जितना इन्होंने बताया, नहीं तो मुझे लगता है जिसको भी आप ऊपर जाके जवाब देना है वो नाराज होगा कि सोचने को तुम्हें भी दिमाग दिया था। हमारी बुद्धि में जितना ही दिमाग है उतना ही दिमाग कृष्ण की बुद्धि में भी था, तो हम इसका क्यों अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो युग के हिसाब से हम टेबल पे बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कई लोगों को ये अवगुण लगता है, अधार्मिक भी लग सकता है, बट मुझे लगता है कि धर्म का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो आप अब ये कहोगे भाई अपनी तो कमी छुपा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने इसको कभी कभी माना ही नहीं, मैं तो इसको एन्जॉयमेंट मानता हूँ और जब तक पी रहा हूँ एन्जॉयमेंट समझ के ही पीऊँगा। बाकी गर्मी बहुत है भाई दिल्ली में। अच्छा अगला कॉन्सेप्ट है समय, वो बनाएंगे हम दूसरे पैक के बाद। तो आप धर्म के कॉन्सेप्ट से कितना वाकिफ है, मेरी फिलोसफी से ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कुछ स्थापित है। ये विद द फ्लो ही चल रहा है, और स्थापित जो अब हुआ है कि जब से बैंकिंग सिस्टम बन गए, रूल्स बन गए, और आपको क्या लगता है इंसान सुधर रहा है या बिगड़ रहा है। मतलब इस धरती के इतने बॉर्डर हो जाना, दिस इज़ गुड थिंग और बैड थिंग। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ तो ऊपर वाला है, बट क्योंकि वो हमारे सामने नहीं आता इसलिए हम उसका नाम नहीं देते, जो बहुत बुद्धिमान लोग अपने आप को कहते हैं।
वो कहते हैं भाई जिस चीज़ को देखा नहीं उस चीज़ को, जिस चीज़ का प्रमाण नहीं उसका क्या बोले। तो ठीक है उनकी भी मान लेते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, बट माने तो माने क्या। ये तो मान सकते हैं कि धरती पे भी कुछ स्ट्रोंग लोग हैं, वो कौन है जो बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली आपकी इकोनॉमी या गोल्ड कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। देखो आप CBSE या NCERT या ओपन स्टडीज से पढ़ते हैं, पर वो सिलेबस ना कहीं से तय होके आता है, उसको तय कौन कर रहा है? आपके पार्लियामेंट में जो गणतंत्र में जो इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिक्सअप है, उसमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अमेरिकन भी है, जो भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब मापदंड तय कौन करके चला गया? ये तय कौन करके चला गया कि एक प्रधानमंत्री भी होना चाहिए और एक प्रेसिडेंट भी होना चाहिए? आखिर क्यों? हमें तो प्रेसिडेंट का इतना बड़ा रोल नहीं दिखता सिवाय दादा साहिब फाल्के अवार्ड देने के सिवाय। आप मुझे बता दो ना, अगर चुनी हुई पार्टी ही प्रेसिडेंट को बिठा देती है, अब वो प्रेसिडेंट जब चुनी हुई पार्टी के साथ बैठा है या दिल्ली का LG चुनी हुई पार्टी ने बिठाया है, तो वो उस पार्टी के खिलाफ ही नहीं जाएगा, तो जनता के लिए काम कैसे हुआ? सोचिए, नहीं सोच सकते ना, दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं। तो बहुत ही बुकों को छोड़ दो पीछे, बुकों से आगे बढ़ने का समय है। बुकों की पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, मेरे मन में इतने सवाल होते थे। पहली बात तो मैं इतना खास अटेंड नहीं करता था, मैं पढ़ने गया ही नहीं था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट था शुरू से। अब क्या टीचर के हर सवाल का मेरे पे उत्तर था, पर मुझे पता था मेरा जो उत्तर है ना वो इनकी विचारधाराओं से मेल नहीं खाएगा, तो मैं जानबूझ के ना बेवकूफ़ बनता था कि सर हम तो वही, क्योंकि हमारी इमेज ऐसी थी, थोड़े शक्ल सूरत से भी ऐसे ही हैं, थोड़े बदमाश टाइप। तो कुछ नहीं भाई, टाल देते थे, किसको क्या साबित करना भाई, गांड मरा घाट मरा, साफ सीधी बात थी। टीचर्स बहुत अच्छे मिले बाकी यूनिवर्सिटी में, तो सोडा के साथ विस्की हैवी लग रही है पर स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज धर्मता की बात छोड़ते हैं, पहले बताओ इस फिलोसफी, इस आइडियोलॉजी को कितना आप सही मानते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन पे जाएं और जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं करें। ट्रैवलिंग मॉडल का एक पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? बिस्की काफ़ी अच्छी लग रही है कैच केस क्लब सोडा में, गर्मी बहुत है, हाइड्रेट रहें और अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का आदर सम्मान करें और अपना उससे पहले। जय भैरव की।